जय जिनेंद्र, जय महावीर। आज हम यह वीडियो में तीर्थंकर और केवली में क्या अंतर है वह जानेंगे। आंतरिक निर्मलता की अपेक्षा साधकों के कई प्रकार है, जिनकल्पी, प्रमत, अप्रमत, सरागी, वितरागी आदि। प्रथम सरागी स्तर साधु का है तो आखिरी वितराग का, तीर्थंकर और केवल ज्ञानी का। तीर्थंकर और केवल ज्ञानी की ज्ञान संपदा में अंतर नहीं होता, किंतु तीर्थंकर पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, उसकी अपनी अलग विशेषता है। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है। तीर्थंकर के तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है, सामान्य केवली के नहीं। तीर्थंकर पूर्व जन्म में दो भव से निश्चित सम्यक दृष्टि होते हैं, केवली के लिए ऐसा नियम नहीं। तीर्थंकर गर्भ में अवधि ज्ञान होते हैं, केवली के लिए यह नियम नहीं है। तीर्थंकर की माता 14 स्वप्न देखती है, केवली की माता के लिए जरूरी नहीं है। तीर्थंकर पुरुष होते हैं, तीर्थंकर मल्ली का श्री होना आश्चर्य माना गया है। केवली स्त्री, पुरुष और कृत नपुसंग सभी हो सकते हैं। तीर्थंकर स्तनपान नहीं करते, केवली करते हैं। तीर्थंकर दीक्षा के पूर्व नियमित वर्षीदान देते हैं, केवली दे सकते हैं पर ऐसा नियम नहीं है। तीर्थंकर केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले प्रवचन नहीं करते, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। सामान्य केवली छद्मस्थ अवस्था में भी उपदेश दे सकते हैं। तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर को दीक्षा लेते समय मन पर्याप्त ज्ञान होता है, केवली को नहीं। तीर्थंकर स्वयं बुद्ध होते हैं, केवली के लिए यह नियम नहीं है। तीर्थंकर चतुर्विधि तीर्थ की स्थापना करते हैं, केवली नहीं। तीर्थंकर का शासन चलता है, सामान्य केवली का नहीं। तीर्थंकर के मुख्य शिष्य गंधर होते हैं, केवली के शिष्य गणधर नहीं होते। तीर्थंकर के 8 प्रातिहार्य होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं, केवली के नहीं। तीर्थंकर की वाणी 35 विशिष्ट गुण होते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में जाना है, केवली के नहीं। तीर्थंकर भव में 1, 2, 3, 5 और 11वां गुणस्थान स्पर्श नहीं करते, केवली 11वां छोड़कर सभी गुणस्थान का स्पर्श कर सकते हैं। तीर्थंकर के केवली समुद्घात नहीं होता, केवली के होता है। तीर्थंकर का जन्म क्षत्रिय कुल में ही होता है, केवली सभी कुलों के हो सकते हैं। तीर्थंकर समचतुरस्थ संस्थान ही होता है, केवली के 6 में से कोई भी हो सकता है। तीर्थंकर का आयुष्य जघन्य 72 वर्ष और उत्कृष्ट 84 लाख पूर्व का होता है। सामान्य केवली का आयुष्य जघन्य 9 वर्ष और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का होता है। तीर्थंकर की अवघाना जघन्य 7 हाथ उत्कृष्ट 500 धनुष्य की होती है। सामान्य केवली की अवघाना जघन्य 2 हाथ उत्कृष्ट 5 धनुष्य की होती है। तीर्थंकर मात्र 15 कर्मभूमि के ही होते हैं, केवली सहरन की अपेक्षा संपूर्ण 2.5 द्वीप में हो सकते हैं। तीर्थंकर स्वयं दीक्षा लेते हैं, गुरु से नहीं, केवली स्वयं या गुरु से ही दीक्षा ले सकते हैं। तीर्थंकर तीसरे चौथे आर्य में ही होते हैं। सामान्य केवली सामान्यतः चौथे आर्य में और चौथे आर्य में जन्मे हुए 5वें में भी केवली हो सकते हैं। 2 तीर्थंकर आपस में मिलते नहीं, केवली मिलते हैं। तीर्थंकर जघन्य 20 उत्कृष्ट 170 होते हैं, केवली जघन्य 2 करोड़ उत्कृष्ट 9 करोड़ होते हैं। तीर्थंकर के अर्थ रूपी उपदेश से गंधर द्वादशांगी की रचना करते हैं, केवली का ऐसा नहीं होता। तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्त के बाद उपसर्ग आते नहीं, केवली के उपसर्ग आ सकते हैं। संवत्सरण की रचना तीर्थंकर के लिए होती है, केवली के लिए नहीं। तीर्थंकर का प्रथम उपदेश खाली नहीं जाता, केवली के लिए ऐसा नियम नहीं। नरक या देवगति से आए हुए मनुष्य ही तीर्थंकर बनते हैं, केवली चारों गति से आकर जन्मे हुए बन सकते हैं। तीर्थंकर की सभा में अभवी नहीं आता, केवली की सभा में आ सकता है। तीर्थंकर एक क्षेत्र में एक ही होते हैं, केवली अनेक हो सकते हैं। तीर्थंकर पंचमुष्टि लोच करते हैं, केवली के नियम नहीं। तीर्थंकर दीक्षित होने पर एक ही देवदृष्ट वस्त्र लेते हैं, जबकि केवली के नियम नहीं है।
तीर्थंकर की सेवा में 64 इंद्र आते हैं, जबकि केवली के नियम नहीं। तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जबकि केवली का नियम नहीं। तीर्थंकर की पाठ परंपरा मोक्ष जाती है। ऐसे होते हैं हमारे परम पूज्य आदरणीय तीर्थंकर भगवान। अगले वीडियो में फिर जानेंगे उनके बारे में बहुत कुछ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।